पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा गाजीपुर गांव में जीर्णोद्धार किए जा रहे तालाब में डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। लड़के की पहचान अनुज शर्मा के तौर पर हुई है। वो गाजीपुर गांव का रहने वाला था। गाजीपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पार्क में बने तालाब में एक लड़के का शव पानी में बहता हुआ दिखा। खबर आग की तरह फैल गई। इसी खबर के मिलते ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष मनोज त्यागी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया। मनोज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये घटना भारतीय जनता पार्टी शासित निगम की लापरवाही की वजह से हुई है। तालाब के चारों ओर तार कांटे की बाड़ लगाई गई है, साथ ही गेट भी लगाया गया है। लेकिन ऐसे बाड़ गेट लगाने से क्या फायदा जो चारों तरफ से खुला हो? क्या इस पार्क की देखभाल के लिए माली नहीं है? माली या निगम कर्मचारी की इस पार्क में ड्यूटी है तो घटना कैसे घटी? एक 10 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पार्क में बने तालाब में जब से बरसात का पानी भरा है तभी से यहाँ छोटे छोटे बच्चे तालाब में नहाने के लिए आते हैं। ये घटना कल की है। 10 साल का बच्चा नहाते समय पानी में डूब गया और डूबे हुए मामले का पता तब चला जब सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करते लोगों ने देखा कि एक बच्चे का शव पानी में तैर रहा है। गाजीपुर गाँव में एक बहुत बड़ा पार्क है। उस पार्क के अंदर एक कोने में तालाब बनाया गया है, दूसरे कोने में एक गार्ड रूम की जगह छोड़ी गई है और टॉयलेट बनाया गया है, तीसरे कोने में एक ट्रांसफार्मर है और उसके आगे तमाम कूड़े का ढेर लगा पड़ा है और एक पूरे पॉकेट में 1/4 पॉकेट में पार्क के तमाम पानी भरा हुआ है। वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट भी लगा हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बूंद पानी भी उस वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट के अंदर जाता हो। कल इतना बड़ा हादसा हुआ कि उस तालाब के अंदर जो बैरिकेडिंग करी गई थी उसमें बहुत सा मतलब जहाँ गेट लगाया गया गेट के आसपास तारबंदी नहीं करी गई और उसको खुला छोड़ दिया गया। जब वो खुला छोड़ दिया गया तो उस पूरे सराउंडिंग तालाब की तारबंदी का कोई फायदा नहीं। वहाँ पे उसमें भैंसे भी ना रही थी, उसमें बच्चे भी खेल रहे थे और वो बच्चा उस पानी में गया खेलने के लिए तो वो डूब गया और जिसकी जानकारी लोगों को अगले दिन सुबह मिली। पूरे दिन उसके माता पिता उस बच्चे को ढूंढते रहे, अपने परिवार का सबसे बड़ा बच्चा था वो और उसके माता पिता बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। लेकिन एमसीडी को, भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी के अंदर बैठी है, उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये इनकी संवेदनशीलता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इनको बार बार गाँव के लोगों ने कहा कि आबादी के बीच में तालाब का बनना कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, बच्चों के लिए नुकसानदायक है। पार्क जहां बच्चे खेलने आएंगे ही, पार्क तो बच्चों के खेलने के लिए ही होता है, वहां बच्चे खेलने आएंगे और तालाब पास में होगा तो निश्चित सी बात है कि बच्चे तो बच्चों का मन तो चंचल होता है तो वो पानी की तरफ जाएंगे और पानी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अभी मात्र 2 महीने के आसपास का समय हुआ है मुझे लगता है इस तालाब को बने, तब एक की मृत्यु हो गई, एक बच्चे की मृत्यु हो गई, एक परिवार का इतना बड़ा नुकसान हो गया। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेताओं को जो एमसीडी चला रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको इस परिवार को कंपेंसेशन देना चाहिए ताकि उस परिवार को एक आर्थिक सहायता मिल सके, एक हिम्मत मिल सके, क्योंकि आज वो इस दुख की घड़ी से बाहर नहीं आ पा रहे। आज पूरा परिवार बड़े सदमे में है और उस परिवार के तमाम बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो भी सदमे में हैं क्योंकि उनका बड़ा भाई चला गया। तो ये बहुत ही दुख का विषय है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ना उस परिवार से जाकर के मिला, ना उस जगह जहां तालाब में वो बच्चा डूबा, ना उसकी अभी तक जाकर के किसी ने विजिट करी। तो मैं समझता हूँ कि ये साफ दर्शाता है कि इनकी आम आदमी के प्रति, आम आदमी गरीब आदमी के बच्चे के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरी घटना पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज़ लाइव 18 के लिए गाजीपुर दिल्ली से जगदीश प्रजापति की रिपोर्ट।